नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बयान की। दरअसल यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई, उन लोगों को तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सिर्फ श्राप मिलेगा। इस दौरान नंद गोपाल नंदी विपक्ष के गठबंधन पर भी बरसे और उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को ठगबंधन करार दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। इतने बड़े मुंह से छोटी बात अच्छी नहीं लगी थी, ये मैं अखिलेश यादव के लिए कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो शानदार एकांत ढूंढते थे, एयर कंडीशन में बैठ करके लैपटॉप और वीडियो गेम, इसी में उन्होंने पूरा समय गुजार दिया। अब निकले हैं तो उनको बदलाव दिख रहा होगा। हमने संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र जारी करके काम किया, राम मंदिर और काशी कॉरिडोर, विंध्यवासिनी कॉरिडोर, मथुरा, सब जगह तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। आज देश का लगभग 50% से ज़्यादा एक्सप्रेसवे हमारे पास। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वे विरोधियों पर जमकर बरसे। बता दें कि जनसभा का आयोजन गोंडा के पालपुर बाजार में किया गया था। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। ब्रजभूषण अपने पैतृक आवास विष्णुहरपुर से भारी जनसमर्थन के साथ करीब 60 किलोमीटर की रैली निकालकर जनसभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान ब्रजभूषण का शायराना अंदाज भी देखने को मिला, साथ ही वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। औरैया में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने डीएम के ड्राइवर के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। तो बदमाशों ने डीएम के ड्राइवर को बंधक बनाकर उसके साथ गाड़ी में मारपीट की और फिर हाथ पैर बांधकर रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक डीएम के ड्राइवर शशिभूषण जैसे चौराहे से गुटखा मसाला लेने गया था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और ड्राइवर को विरिया गांव के पास फेंक कर मौके से फरार हो गए। शशिभूषण के दोस्त ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पीड़ित शशिभूषण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मैं डीएम साहब के यहाँ आवास पर नौकरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, उनकी नाइट ड्यूटी में था। वहाँ से मैं 100 मीटर दूर गुटखा लेने गया था, जेसी चौराहे पर जब गुटखा लेने गया, वहाँ गुटखा लिया। गुटखा लेते ही 4-5 लोग आए, अचानक हमको मारने लगे। स्कॉर्पियो डाल के पूरी रास्ता मारते हुए चले गए। वहाँ से करीब में 20 किलोमीटर गौरी गिरिया और कमालपुर के बीच में मेरे हाथ और मुंह बांध के छोड़ दिया। आज रात को लगभग 1 बजे विनय कुमार ने सूचना दी थी कि एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो, जिसका नंबर अंत में 3536 है, इसमें इनके दोस्त शशि भूषण सिंह उस नीरज पाल को 4-5 लड़के उठा के ले गए हैं। फिर आगे पूछने पर इन्होंने बताया कि शशि भूषण जिलाधिकारी महोदय की गाड़ी चलाता है और इसका नंबर वगैरह प्राप्त किया। तत्काल थाने की पुलिस सीओ साहब, एडिशनल साहब और हम सब। मथुरा की द्वारकेश कॉलोनी में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि नकाबपोश बदमाश नौकर की आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक द्वारकेश कॉलोनी के रहने वाले प्रभुदयाल एडवोकेट का नौकर मोतीलाल बैरकपुर से थैले में चांदी का माल लेकर आ रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर लिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लूट की यह वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखा होगा, किस तरह से स्कूटी सवार नौकर के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले का खुलासा कब तक हो पाता है। मोतीलाल नाम के एक व्यक्ति जो एक व्यापारी के यहाँ काम करते हैं, वो चांदी जो है वो लेके आ रहे थे। बताया जा रहा लगभग 20 किलो चांदी थी पैकेट में, स्कूटी में आगे रखे थे। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे चलते में उनके स्कूटी से स्नैच कर लिया और भागने लगे। जो पीड़ित हैं उन्होंने दौड़ के पीछा भी किया, पकड़ा, तो इनका कहना है कि इनकी आंख में उन्होंने उस समय मिर्च झोंक दी और उसके बाद भाग गए।
फर्रुखाबाद में प्रधान को झगड़े में बीच बचाव करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि दबंगों ने प्रधान की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना कंपिल थाना इलाके के पुरौरी गांव की है। मारपीट में प्रधान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए परिजनों ने सीएचसी में भर्ती करा दिया है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों का प्रधान के परिवार के लोगों के साथ विवाद हो रहा था। इसी दौरान जब प्रधान ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने प्रधान की ही पिटाई कर दी। बुलेटिन में बात कन्नौज की, जहां गुस्साई भीड़ ने रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया। मामला गुड़साहेगंज कोतवाली इलाके के सराय दौलत का है, जहां रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और फिर बस को भी आग लगा दी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पहले लोगों ने वहां पर सड़क जाम कर दिया और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रोडवेज बस में भी लोगों ने आग लगा दी थी। देखते ही देखते रोडवेज बस जलकर राख हो गई। बांदा से भी हादसे की खबर है। दरअसल डंपर की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई थी। छात्र सुबह दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था, इसी दौरान डंपर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। मामला बबेरू कोतवाली इलाके के बेर्राव गांव का है। हादसे के बाद डंपर चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के बाद शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से बबेरू कमासिन रोड पर आवागमन घंटों तक बाधित रहा। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम बबेरू पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। मथुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। गोली लगने से महिला और उसका प्रेमी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना कोसरी कला के जाब गांव की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कृष्णा ने कुछ महीने पहले ही शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही कृष्णा की पत्नी का पड़ोस में रहने वाले देशराज के साथ प्यार परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद महिला पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी थी। इसी से नाराज होकर गुस्साए कृष्णा ने घर में घुसकर पत्नी और उसके प्रेमी को गोली मार दी थी। बुलेटिन में बात महोबा की, जहां कबराई बांध में नहाने गए एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कबराई बांध में नहाने गए एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को बचा लिया गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक किदवई नगर का रहने वाला 15 साल का आनंद अपने चार दोस्तों के साथ कबराई बांध पर गया था। इसी दौरान आनंद का पैर फिसल गया था। आनंद को बचाने के लिए अंकित भी बांध में कूद गया था, जिसके बाद दोनों डूबने लगे। बांध के पास खड़े लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद दोनों को बाहर निकालकर सीएचसी में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर ने आनंद को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज पुलिस को सूचना मिली कि दो लड़के कबराई बांध में डूब गए हैं, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल रवाना किया गया, फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया तथा प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जनता के सहयोग से एक लड़के को बचा लिया गया, जिसको जिला अस्पताल रिफर किया गया है। सीएससी से उसको फर्स्ट एड दिलवा करके जिला अस्पताल के लिए भिजवाया गया है तथा एक लड़के को सीएससी में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसका नाम आनंद कुशवाहा नाम चार पांच लड़कों के साथ मेरे साहब नहाने गया, बस वहीं पे डूब गया। और मैं गया था निमंत्रण पे, जब मुझे वहाँ जानकारी मिली तब भागा मैं वहाँ। अब मुझे मालूम एक लड़के का पता चला कि एक भोला ममोस का लड़का है अंकित, वो गया था लड़का, वो भी फंस गया था। तो उसको निकाला, वो साला आ गया दुकान में बैठा रहा, तो किसी को नहीं बताया उसने कि लड़का फंसा है। ये बच्चे चार लड़के पता चला कि नहाने गए थे डैम में कबरई बांध में, तो दोनों जो है तो पता नहाते नहाते पता नहीं गहराई में कैसे चले गए, बहाव के वजह से कि कैसे, तो ये तैरना जानते नहीं थे। दो लड़के डूब गए थे, तो वहाँ कुछ लोग नहा रहे थे,
तो एक को तो निकाल लिया, लेकिन ये ज़्यादा गहराई में चला गया तो गहराई की वजह से इसको नहीं निकाल पाए। बाद में कुछ और लोग, गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और आग फैक्ट्री से उसी यूनिट में बनी तीन फैक्ट्री तक पहुंच गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसा कृष्णा विहार इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक एक फैक्ट्री के अंदर वाश बेसिन बनाने का काम हो रहा था, गत्ते का काम भी हो रहा था और कूलर से जुड़ा हुआ सामान भी रखा हुआ था। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आशंका जताई जा रही है कि बिजली के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आज लगभग 12:21 पर फायर स्टेशन कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई है कि कृष्णा विहार कॉलोनी में, जो कि लाल कुआं चौकी के पास पड़ता है, उसमें एक फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां फायर स्टेशन कोतवाली से, 2 गाड़ियां फायर स्टेशन वैशाली से और 1 गाड़ी फायर स्टेशन साहिबाज से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। जो कि फैक्ट्री में 3 फैक्ट्रियां संचालित थी कंपाउंड के अंदर, जिसमें कूलर बनाने का काम, वॉश बेसिन बनाने का काम और गत्ते का काम होता था, जिसमें आग फैल चुकी थी। चारों तरफ से घेरते हुए आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू में पाया गया है और इस घटना में कोई भी किसी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।